हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज लॉन्ड्री इक्विपमेंट। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इज नीडेड इन लॉन्ड्रीज टू कोप विद द वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स एंड अदर आइटम्स टू बी लॉन्डर ड्राइड एंड प्रेस्ड गिवन द ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉन्ड्री टू बी कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम पीरियड। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट शुड बी चूजन कीपिंग इन माइंड द अमाउंट ऑफ लिनन टू बी प्रोसेस्ड बाई दी लॉन्ड्री। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए होटल्स में अगर हम बात करें तो लिनेंस जितने भी बेड शीट्स हो गए, टॉवल्स हो गए, वॉशिंग वॉशिंग और ड्राइंग के लिए आते हैं, ठीक है। तो इनको हमें गेस्ट तक फिर उसको यूज़ करके, जब वो यूज़ हो जाते हैं, सॉइल्ड होते हैं, फिर उसको फ्रेश करके फिर हमें गेस्ट के रूम में पहुँचाना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने देखी भी होगी घर में एक कमर्शियल होती है और एक डोमेस्टिक होती है, ठीक है। तो कमर्शियल थोड़ा हैवी साइज़ होता है, थोड़ा उसका फंक्शंस अलग होते हैं, उसमें केमिकल्स जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से एक रेशियो के हिसाब से यूज़ होते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन दोज यूज इन द होटल लॉन्ड्रीज आर टिपिकली ऑफ द टम्बलर टाइप। देयर कैपेसिटीज टिपिकली वेरी फ्रॉम 7 to 200 kg। तो जो कमर्शियल्स वॉशिंग मशीन होती है इनकी 7 से 200 kg तक की इनकी कैपेसिटी होती है। टू वॉश बैरल्स ऑफ दोज यूज इन द होटल्स आर यूजली ऑफ स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, आर यूजली ऑफ स्टेनलेस स्टील मशीन्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 kg और मोर जनरली हैव ड्रम्स दैट हैज 2 or 3 compartments। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू अ टनल वॉशिंग मशीन। ओके, ये था वॉशिंग मशीन के बारे में। लेकिन अब चलते हैं वॉशर कम सेंट्रीफ्यूज एंड एक्सट्रैक्टर। दीज मशीन्स रेंज इन कैपेसिटी फ्रॉम 7 to 300 kg। दे मे ऑपरेट ऑन स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी और इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो जो ये वॉशर कम सेंट्रीफ्यूज होता है, क्या होता है इसकी जो सबसे पहले कैपेसिटी थी 7 to 300 kg की कैपेसिटी थी। दे मे ऑपरेट ऑन स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों तरीके से यूज की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है और स्टीम से भी चलाया जा सकती है, ठीक है। फिर आता है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स। दीज आर लार्ज सेंट्रीफ्यूजेस रेंजिंग इन कैपेसिटी फ्रॉम 7 to 70 kg। अ टिपिकल हाइड्रो एक्सट्रैक्टर द बास्केट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। दे आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। क्लॉथ फ्रॉम द वॉशर आर पुट इन टू अ हाइड्रो एक्सट्रैक्टर टू रिमूव अबाउट 50 to 75% ऑफ एक्सेस वाटर। द वॉटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉश लिनन बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो जो एक्सट्रैक्टर्स का यूज होता है, जो वॉश्ड क्लॉथ होते हैं उनसे जो पानी होता है उसको निकालने का सेक्शन का काम इनका होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी भी मैंने बता दी। अब आते हैं हम सीधे आपके पास ड्राइज। ड्राइज का काम सुन के ही पता लगा है, जो ड्राई करते हैं, जो वॉश्ड क्लॉथ लिनन होते हैं इनको ड्राई करने का काम होता है। दीज आर यूनिट्स ऑफ टम्बलर टाइप इक्विपमेंट टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम डैम्प। जो लिनन्स होते हैं, क्लॉथ होते हैं, उनका जो मॉइस्चर निकालने का, हटाने का, रिमूव करने का काम होता है, किसका होता है, ड्रायर्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो प्रेसिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, स्टीम प्रेस हो गई, फ्लैट प्रेस हो गई, सजीज, कैलेंडर मशीन्स एंड फोल्डिंग मशीन। तो स्टीम प्रेस हमें पता है जो स्टीम से चलाई जाती है। फिर आता है फ्लैट प्रेस। दीज आर जनरली यूज बाय होटल दैट आर नॉट एबल टू अफोर्ड कैलेंडिंग मशीन टू प्रेस लिनन लाइक बेडशीट, पिलो कवर एटसेट्रा। तो फ्लैट प्रेस का काम क्या होता है, जैसे कुछ होटल्स, छोटे होटल्स, बजट होटल्स होते हैं जिनके पास कैलेंडर मशीन नहीं होती, जिन जैसे कैलेंडर मशीन का यूज़ होता है बेड लिनन, जो बड़े बेड लिनन होते हैं जैसे कि बेडशीट, डुवे कवर, इनको आयरनिंग का काम होता है। लेकिन कुछ होटल्स में क्या होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कैलेंडर मशीन की, तो फ्लैट प्रेस मशीन का यूज़ करते हैं जिसमें हम बेडशीट या डुवे कवर्स में हम आयरनिंग करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सजीज। सजीज इज एन इनफ्लेमेबल शेप ऑन विच फोल्ड, एग्जाम्पल अ ब्लेजर इज ब्लेजर प्लेस्ड एंड विच आर देन फिल्ड विद स्टीम सो ड्राइंग द प्रेसिंग आउट क्रीजेज ऑफ द ब्लेजर। इट इज ऑल्सो नोन
एज बॉडी हॉट ब्लोअर इन सम होटल्स इंस्टेड ऑफ सजी बॉडी प्रेस कॉलर कप स्लीव्स आर यूज्ड। सजीज का जो यूज होता है होटल्स में क्या होता है, ब्लेजर्स का आयरन का काम होता है, कहीं कहीं पे इसको कॉलर कप स्लीव्स में भी आयरन करने का काम आता है। ठीक है, फिर आता है कैलेंडर मशीन, जो मैंने पहले ही बताया कैलेंडर मशीन, बड़े जो लेनन होते हैं बेड शीट डुवे कवर, इनको आयरन करने का काम होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं साइज में बहुत बड़ी होती है, तो नॉर्मल प्रेस से ये प्रेस नहीं की जा सकती, आयरन नहीं की जा सकती, तो इसको कैलेंडर मशीन से प्रेस किया जाता है। फिर आता है फोल्डिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन का काम क्या होता है, लिनन को फोल्ड करना, प्रॉपरली फोल्ड करना। फोल्डिंग मशीन डू नॉट फोल्ड लिन एज सच बट एट द वर्कर इज डूइंग सो, द मशीन होल्ड डाउन ऑन वन एंड ऑफ द लिनन टू बी फोल्डेड सो दैट द वर्कर कैन फोल्ड इट मोर इजिली। तो क्या होता है कि अगर हम फोल्डिंग मशीन से लिनन को फोल्ड करके रखते हैं तो प्रॉपरली दिखने में भी, एक तो उसका जो अपीयरेंस होता है बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है, सेकेंड चीज जो एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ी इसमें मैन पावर कम लगती है, तो मैन पावर कम लगेगी तो हमारा काम इफेक्टिव हो सकता है लॉन्ड्री में। ठीक है, ये था फोल्डिंग मशीन। अब चलते हैं ड्राई क्लीनर इक्विपमेंट। तो ड्राई क्लीनर इक्विपमेंट, दीज आर सिमिलर टू वॉशिंग मशीन, दीज आर सिमिलर टू वॉशिंग मशीन्स ऑफ द टम्बलर टाइप, दे आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ कैपेसिटीज, दे आर स्टीम पावर्ड पाउडर और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, दे कैरी वॉशिंग एक्सट्रैक्टिंग ड्राइंग एंड डिओडराइजिंग इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सॉल्वेंट फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन आर कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग ऐसी एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, बिना मॉइस्चर के लिनन या क्लॉथ को वॉश करते हैं, उनका स्टेन रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग जो मशीन होती है उसमें हम एक पर्क, एक केमिकल आता है पर्क क्लोरो एसिड, इसको यूज़ करते हैं, जिससे सारे के सारे ये पेट्रोलियम टाइप का एक क्या होता है, एक केमिकल होता है। ठीक है, इसके इससे ही हम ड्राई क्लीनिंग से बिना मॉइस्चर के रिमूव स्टेन्स को रिमूव करते हैं। फिर आता है कार्ट्स एंड ट्रॉलीज, तो होटल्स में देखा होगा कि लॉन्ड्री में बहुत सारी कार्ट्स या ट्रॉलीज होती हैं जिनको काम हम सॉइल लिनन को लाने ले जाने में या फ्रेश लिनन को ले जाने ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए होटल्स में बहुत ही ज़रूरी होती है ट्रॉलीज एंड कार्स, विदाउट इनके हम वर्क को इजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक टाइम में हैवी सर्विस करनी होती है, लॉन्ड्री एक हैवी सर्विस होती है होटल की, जिसमें हमें बहुत सारा लिनन एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारा लिनन, हैवी लिनन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए तो लॉन्ड्रीज एंड जो कार्स होते हैं वो जरूरी है। सैक सैक के जिसमें हम क्या करते हैं लिनन एंड जो क्लॉथ्स होते हैं उनको प्रॉपरली कहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।